लो भाई, किया की तरफ से एक और धमाका हो गया। ये भाई सामने है किया सेल्टॉस STX+ वेरिएंट। तो भाई इस वीडियो में काफी सारे डिटेल की बात करेंगे, इस गाड़ी में क्या क्या चीजें मिलती हैं। उससे पहले भाई इसका नया वाला की देख सकते हो, जहाँ पे आपको काफी सारी चीजें दी गई हैं। लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो और बूट ओपन कर सकते हो। काफी सारे प्रीमियम फीचर इस वेरियंट में डाले गए। हालांकि ये टॉप एंड वेरियंट से दो नीचे है, लेकिन आपको टॉप एंड वेरियंट वाला कंप्लीट फीचर मिलेगा। थोड़ा सा अलग है और काफी एग्रेसिव लुक के साथ देखने को मिलता है। इस वीडियो में आपको काफी सारी चीजें डिटेल करूंगा, जो कि आप समझ पाओगे कि ये काफी SUV काफी शानदार लग रही है। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से इसका DRL मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से। और ये आपको नीचे आपको मिलेगा आपको इंडिकेटर, भाई 3 सिक्वेंशियल इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। उसके नीचे भाई आपको फॉग लैम्प मिल जाएंगे, जहाँ पे आइस क्यूब शेप में चार चार आपको मिल जाएंगे। और ये आपको कुछ इस तरीके से आपको बोनट पे डिजाइन मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लुक के साथ इसका बोनट पे डिजाइन देखने को मिल रहा है। नो डाउट काफी बेहतरीन। अगर बात करते हैं यहाँ पे क्रोम की फिनिश दी गई है। ओवरऑल विड्थ की बात करें, 1800 mm की गाड़ी का विड्थ है। जिस तरीके से सामने आपको ग्रिल देख सकते हो, ग्रिल काफी कुछ इस तरीके शानदार ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। और यहाँ पे आप देखो सेल्टॉस का नंबर प्लेट लग जाएगा। और ये है भाई आगे चार चार सेंसर दी गई हैं, जिससे आपको काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इसमें भाई 6 एयरबैग दी गई हैं स्टैंडर्ड, भाई काफी शानदार चीजें। सेफ्टी भी काफी बेहतरीन दी गई है, वो भी सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले भाई बात करते हैं इसके भाई टायर पे। तो फ्रंट में आप देखोगे 215/60R17 इंच के आपको डायमंड कट एलॉय व्हील मिलेंगे आपको डिस्क ब्रेक के साथ, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर बात करते हैं रियर में, तो रियर में भी आपको डिस्क देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख पाओगे कुछ इस तरीके से, जो कि काफी बेहतरीन है। और ये आप देखोगे भाई ORVM पे आप देख सकते हो इंडिकेटर ग्लॉसी ब्लैक ब्लैक और आपको ग्लॉसी रेड फिनिश के साथ, और ये आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। डोर क्लैडिंग आप यहाँ पे देख पाओगे, थोड़ा सा डिजाइन दी गई है, जो कि काफी इसके लुक को काफी ज्यादा इन्हेंस करता है। और यहाँ पे आपको मिलेगा रिक्वेस्ट सेंसर और की के साथ, काफी हैवी आपको डोर दिया गया है। और भाई डोर पे भाई काफी प्रीमियम चीजें दी गई हैं। क्या इसमें सॉफ्ट टच और फिर हार्ड प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन किया गया, तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये आपको ट्विटर मिल जाएंगे, ये आपको बोस के आपको स्पीकर मिल जाएंगे, 1 लीटर बॉटल होल्डर मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। पावर विंडो कंट्रोल आपको वन टच अप डाउन कर सकते हो, बाकी ये सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा, जो कि एक काफी अच्छी चीजें दी गई हैं काफी बेहतरीन तरीके से। अगर मैं बात करूं, ये आप देखोगे भाई इंटीरियर, भाई बैठता हूँ इंटीरियर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि काफी लाजवाब चीजें दी गई हैं, नो डाउट काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। अगर बात करते हैं स्टेयरिंग पे, देखोगे भाई तो एक बार इसको मैं दबाता हूँ, इसको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ देखने को मिलेगा। ये अपना म्यूजिक कंट्रोल मिल जाएंगे, जहाँ पे वॉइस कंट्रोल कर सकते हो, वॉइस असिस्टेंट का फीचर देखने को मिल जाएगा। ये स्टेयरिंग आपको देख सेल्टॉस का लेदर रैप स्टेयरिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखोगे, ये एक बार मैं फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ, तो ये देखो भाई वाओ सन क्या ही लाजवाब। ये इसका भाई 10.25 इंच का आपको स्क्रीन मिल जाएंगे, ये अपना वाइपर के, ये अपने ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फीचर मिल जाएंगे। और कुछ इस तरीके से डिजाइन देखने को मिलेगा, काफी बेहतरीन तरीके से लुक देख सकते हो भाई, काफी शानदार। डैशबोर्ड फिनिश काफी शानदार से दी गई है। और यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स ओपन करता हूँ, ग्लव बॉक्स की काफी डिजाइन काफी बेहतरीन है, ठीक है, डिसेंट सा स्पेस आपको दिया गया है इसके ग्लव बॉक्स में। और ये है भाई इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये भी 10.25 इंच का दिया गया, जो कि काफी सारे फीचर के साथ, हजार्ड के साथ, AC वेंट इसमें दी गई है। और नीचे आपको बात करते हैं AC कंट्रोल, जहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएंगे, काफी सारे फीचर यहाँ पे दी गई हैं, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए, काफी बेहतरीन चीजें। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग पोर्ट मिल जाएंगे, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, USB आपको और Type A पोर्ट मिल जाएंगे। और ये है आपका 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, जो कि देखने को मिलेगा, पार्किंग और वेंटिलेटेड सीट, व्यू मिरर आप देखने को मिल सकते हो। इसमें आपको रियर में आपको कैमरा मिलेगा, फ्रंट में आपको कैमरा नहीं मिलेगा। इसके अपर वेरियंट में 360 डिग्री कैमरा मिल जाएंगे, बाकी क्वालिटी ठीक है कैमरा की, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर बात करते हैं इसमें आपको फीचर की, उससे पहले आपको कैमरा की क्वालिटी देख सकते हो, काफी ठीक ठाक है कैमरा की क्वालिटी। और ये अपना 2 कप होल्डर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये अपना आर्मरेस्ट के लिए स्ट्रेचिंग कुछ इस तरीके से की गई है,
जो कि डिसेंट सा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, आप देख पाओगे एक परफेक्ट। और भाई ये देख सकते हो भाई, ये है भाई इसका सीट, वेंटिलेटेड सीट के साथ, जो कि काफ़ी अच्छे से इसकी लेदर रैप डिजाइन दी की गई है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। इसमें कलर की बात हो, काफ़ी सारे कलर इस वेरियंट में देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी अच्छी है। बाकी टिकट होल्डर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये है इलेक्ट्रोक्रोमिक IRBM, जहाँ पे SOS और भी बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये अपना सनरूफ देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, पैनारोमिक सनरूफ भाई, काफ़ी बड़ी पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिलेगा, जो कि देखने में लगता है कि भाई हाँ सनरूफ एक्चुअल में दिया गया, नहीं तो कुछ गाड़ियों में भाई छोटी सनरूफ दी गई। यहाँ पे फुल्ली फुल फ्लोर आपको दिया गया है, यहाँ से वन टच में इसको बंद कर सकते हो, और ये अभी देख सकते हो बंद हो रहा है भाई। और इसके कर्टन भी काफ़ी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ये प्लस पॉइंट है कि नहीं कि आपको हाथ से इसको करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ये अपना मिरर के साथ देखने को मिलेगा, यहाँ पे दो लाइट मिल जाएंगे, एक बार इसको देख लेते हैं कुछ इस तरीके से, LED लाइट मिल जाएंगे। और यहाँ पे ऊपर में एक सनग्लास देखने को मिल जाएगा, इसको भी ओपन करते हैं भाई। ये देखो भाई सनग्लास भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से दी गई हैं। तो अभी क्या करते हैं, चलते हैं रियर सीट पे, रियर सीट पे देखते हैं कितना स्टोरेज है, क्या क्या फीचर रियर पे सीट पे मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी जानना ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं भाई रियर पे, बात करते हैं रियर पे, आपको देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और ये आपको यहाँ पे आपको साइड कर्टन मिल जाएंगे सन ब्लाइंड के लिए कुछ इस तरीके से, एक प्लस पॉइंट प्रीमियम फीचर के वाला आपको फीचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी ये आप देख पाओगे काफ़ी सारे कंट्रोल, क्या मतलब विंडो कंट्रोल, बॉटल के लिए स्पीकर, सॉफ्ट टच सेम। और ये है अंदर का इंटीरियर, इंटीरियर की डिज़ाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं एक बार बैठता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ इसमें क्या स्टोरेज है, क्या कैपेसिटी है। मेरी हाइट 5.9 फीट की है, उस हिसाब से आप देख पाओगे नी रूम हेडरूम आप देख पाओगे। बाकी एयर प्योरीफायर के लिए आपको कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी AC वेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, चार्जिंग ए पोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे दो। बाकी यहाँ पे स्पेस कुछ इस तरीके से, और बाकी इंटीरियर कुछ इस तरीके से रियर से दिखता है, आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ। और ये अपना पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगा काफ़ी वाइड, रियर से दिखाता हूँ भाई। ये देखो भाई पूरा भाई क्या ही कमाल शानदार भाई। और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, तीनों हेड एडजस्टेबल मिल जाएंगे, आप हेड एडजस्ट कर सकते हो ये अपना कुछ इस तरीके से। बाकी सीट मैं फिर से बोला हूँ काफ़ी शानदार। बाकी अंडर थाई सपोर्ट मैं एक बार देख लेता हूँ, काफ़ी बेहतरीन भी ये भी है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है भाई, एक SUV किया आपको फीचर रिच आपको गाड़ी मानी जाती है और जानी जाती है कि ये फीचर पे आपको बिकती है भाई। बाकी यहाँ पे रूफ रेल देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से, जहाँ पर सिल्वर फिनिश के साथ, ग्लॉसी सिल्वर फिनिश के साथ। और यहाँ पे रियर में आपको मिलेगा भाई ये आपको मैसिव सा DRL, और देख सकते भाई लुक काफ़ी शानदार सरफन एंटीना के साथ। और ये अपना हाई माउंट स्टॉप लैंप, वाइपर डिफॉगर, किया का लोगो, बाकी काफ़ी बड़ी सी टेल लाइट, यहाँ पे सेल्टॉस, और यहाँ पे नीचे स्किड प्लेट देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हो भाई इसका एग्जॉस्ट टेल पाइप देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। बाकी इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी बेहतरीन होने वाला है इसमें। एक बार बूट ओपन करता है यहाँ पे, एक बार 360 डिग्री कैमरा नहीं, रियर का कैमरा मिल जाएंगे। एक बार यहाँ पे बूट ओपन कर दिया हूँ, 447 लीटर का बूट भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से दिखती हैं गाड़ी रियर से। और यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएंगे डेडिकेट, बाकी यहाँ पे सब वूफर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये अपना स्टोरेज भाई काफ़ी डिसेंट सा स्टोरेज देखने को मिल जाएंगे, और हर जगह पे आपको कर्टन लगाया गया, जो कि एक प्लस पॉइंट है, जिससे आवाज़ कैबिन में कम आए भाई। ये भी चीज़ें आपको किया तो ध्यान में रख रहा भाई। और ये है इसका लुक भाई, लेंथ की बात करते हैं, 4365 mm की कंप्लीट लेंथ है, विड्थ की बात 1800 mm विड्थ है, हाइट की बात करूँ 1645 mm की हाइट है, 8-8 स्पीकर मिल जाएंगे। टॉप स्पीड की बात करें 170 का इसका टॉप स्पीड मिल जाएंगे। बाकी इसका टैंक की बात करते हैं, 50 लीटर का टैंक मिल जाएगा। माइलेज की बात करूँ 17 से लेकर 20 का माइलेज मिल जाएगा। ये है भाई 1482 cc का इंजन, 4 सिलेंडर। पावर की बात करूँ 157.81 BHP का पावर मिल जाएगा 5500 RPM पे। टॉर्क की बात करोगे 253 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। सेफ्टी की बात करो, ABS, EBD, BA, ESP, TPMS, हिल होल्ड, ऑटो डोर अनलॉक, और भी बहुत कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। तो एक परफेक्ट किया की तरफ से एक प्रोडक्ट आया है, जो कि ये भाई 2023 का फेसलिफ्ट वेरियंट दिखा रहा हूँ न्यूली वाला भाई। लोग अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो 21,50,000 इसकी ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा साहिब किया गोरखपुर में।
अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट यहाँ देखना है तो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का डिटेल आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, यहाँ से कॉन्टैक्ट करना ना।